पगला गए हो का बावले? उस कलंकनी से तुम्हारा कैसा मेल? ना जात की है, ना बिरादरी की और ना बराबरी की। जात, बिरादरी और बराबरी, ये सब इंसान के बनाए हुए बहाने हैं। ऊपर वाले ने सिर्फ हमें प्यार करना सिखाया है। अब आप बताइए, मैं आपकी सुनूं या ऊपर वाले की? दिगंबर साहब, दिगंबर साहब, मडोक साहब आप आ गए, आइए बैठिए। कैसे नहाते दिगंबर? अब आप पुलिस थाने आ नहीं सकते थे, तो पुलिस स्टेशन को आपके पास आना पड़ा। जी जी बैठिए ना, हमको कुछ बयान लिखवाना है। बयान लिखवाना है? लिखो साहब, जो भी बोले लिखते जाना है ना। क्या हुआ? निगरानी कमेटी वालों ने हम पे हमला किया है। बस 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 दिगंबर, कहाँ, कब, कैसे, कितने? एक मिनट, ये आ कर रहे, ये भी लिखना। अच्छा दिगंबर, क्या है, अब तुम पुलिस में रहे तो तुम्हें पता है कि बयान जब दोगे तो सब चीजें लिखानी होंगी। अब बताओ कहाँ, कब, कितने बजे? वो रात को लगभग 9:30 बजे होगा। 9:30 जी। कहाँ? कुआ है ना, बहुत गहरा है ना वो, तो बहुत गहरा है। तुम वहां शौच के लिए गए थे ना? कहाँ बात कर रहे हैं मधोक साहब, हमारा बयान लिख रहे हैं कि हमारा केस का जांच पड़ताल कर रहे हैं महाराज। जांच पड़ताल तो तब होगी ना दिगंबर, जब केस में कुछ सच्चाई हो। जी? वो क्या है ना, अमूमन निगरानी कमेटी वाले रात में नहीं निकलते हैं। खैर छोड़ो, जाने दो, बोलो बोलो। कहा है मडोक साहब कि हम रात को खाना खाने के बाद बाहर टहल रहे थे, टहलते कुआं, आपको पता है ना कुआं कितना गहरा है, बहुत गहरा, हम उसमें झांक रहे थे, इतने में किसी ने कंबल से ढक और मारना थी लाठी से हमला किया महाराज, कुटाई कर दी, बहुत मारा, बस 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 दिगंबर। अच्छा ये बताओ दिगंबर, कितने लोग रहे होंगे? हमको लगता है कि चार या पांच लोग रहे। तब तो तुम पहचान लोगे उनको? ना शायद नहीं। क्या हमको कंबल से ढक दिया था ना, और निगरानी कमेटी वाले लोग मार लाठी हमको तोड़ दिया। सवाल तो हम गलत पूछे हैं दिगंबर, तुम तो पहचान चुके हो ना, तुमने तो अभी कहा अपने बयान में कि निगरानी कमेटी के लोग थे। आपको हमारे बात पे विश्वास नहीं है काजी? पूरा विश्वास है दिगंबर, पर क्या करें, तुम्हारी मीठी मीठी बातों में इतनी कशिश होती है ना कि उसमें अर्थ की कमी कभी महसूस ही नहीं होती। जी एक शेर अर्ज करें दिगंबर बाबू, सुनिए। सुनाइए, लेकिन छोटा सा सुनाइएगा। हाँ बिल्कुल छोटा सा। एकदम। वो करें बया, हाँ। सुना करे कोई। वो करें बया, आगे, 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 आगे। वो कहे सच, हाँ। और झूठा बने कोई। हाँ, झूठा, ये निगरानी कमेटी का सारा झूठा है। बहुत झूठा, बहुत झूठा। अच्छा मैं, अच्छा सुनो, तुम मार जाओ। अच्छा सुन, आराम से भाई। दिगंबर,
हमको लगता है तुम्हारी जान को यहाँ बहुत खतरा है। क्या बात कर रहे हैं? कितनी बुरी तरीके से मारा है, हत्या भी हो सकती है तुम्हारी। तुम हमारी बात मानो, आईसीयू में एडमिट हो जाओ, मानवता अस्पताल में। मानवता अस्पताल में रहोगे, डॉक्टर स्नेहा तुम्हारी अच्छे से देखभाल करेंगी। वहां रहो आराम से, तसल्ली से, बाकी इन्वेस्टिगेशन अपन बाद में देख लेंगे। तो हम एम्बुलेंस बुला लेते हैं। जी जी। ओके। अरे वार्ड बॉय, वार्ड बॉय, क्या हुआ? इस सब को जल्दी खोलो, समझा कि नहीं? हमको घर जाना है। वो कहा देख रहे हो हमारा, खोलो जाके बुला के लो। आप सुन रहे हैं प्रताप वाणी, स्नेहा दी और मुन्ना की जबानी। अरे चौकिए मत, बुआ जी किसी खास काम में व्यस्त हैं, इसलिए आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर स्नेहा जी। नमस्कार, मैं आपकी स्नेहा, आप सबकी सेवा में। और मैं आपका दोस्त मुन्ना, स्नेहा जी और आपकी सेवा में। तो चलिए आज सुनते हैं कहानी एक हीरो की। हमारे पास के जिले के एक गाँव में रहने वाला 8 साल का संजय। संजय एक दिव्यांग है, ना वो सुन सकता है और ना बोल सकता है, लेकिन उसके मन से निकली आवाज ने एक गांव में क्रांति फैला दी। तो आइए हमारे साथ अपनी आंखें मूंदिए और अपने मन के पर्दे पर ये कहानी देखिए। सूरज के साथ ही संजय जागता है रोज सुबह 5 बजे। एक के बाद एक गांव के हर एक घर के दरवाजे पर खड़ा होता है हाथ जोड़े और लोगों को इशारों से समझाता है, उनसे विनती करता है कि खुले में शौच ना करें। फिर वो ऐसे इलाकों में जाता है जहां गांव वाले अक्सर जाते हैं गंद फैलाने। और जब भी उसे कोई खुले में शौच करते हुए नजर आता है तो वो अपने गले में लटकी सीटी बजाता है। और मुझे उम्मीद है लोटाधारी का काम वहीं रुक जाता है। संजय ने उस कहावत को बहुत अच्छी तरह से अपना लिया है कि अकलमंद को इशारा काफी है। इस इशारे पर अमल भी हुआ है, उसका गांव ही क्या पूरा प्रांत ही खुले में शौच से मुक्त हो गया है। संजय तुम्हें सलाम। जी हाँ, और संजय अब अकेला नहीं है, उसके गांव के साथ शासन, एनजीओ, विशेषज्ञ, स्वास्थ्य कर्मी सब जुड़ गए। बिल्कुल। तो अब सुनते हैं उनकी कहानी जो है टीवी देखने वालों की खास पसंद। मतलब सास और बहू की कहानी। ओ, ये कहानी है आरती देवी की। अपनी आंखें मूंदी और नाट्य अंदाज में देखिए ये दृश्य अपने मन की आंखों से। सुन लो कि अब तुम इस घर में आई हो तो इस घर से कभी नहीं बाहर जाओगी। पर सासु माँ, बस एक बार जो कह दिया वो कह दिया, अब एक और शब्द बोलने की जरूरत नहीं। सासु माँ, मैं उन बहुओं में से नहीं हूँ जो खामोशी से घुट घुट कर मर जाए। मेरी अपनी सहेलियाँ हैं, मैं उनसे अपनी मर्जी से मिलूंगी, मैं बाहर जाऊंगी। अरे पगली,
मेरा मतलब तो बस ये था कि तुम्हें अब शौच के लिए कभी भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मैंने तुम्हारे लिए घर पर ही टॉयलेट बनवा दिया है और ये तुम्हारा शादी का तोहफा है मेरी तरफ से। अब अपनी सहेलियों से तुम्हें जब मिलना हो तब मिल सकती हो। हाँ बोलो समीर, क्या बात है? हेलो, तुम जल्दी में हो? नहीं, कोई बात है तो बोलो। आज मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मिलना चाहता हूँ? क्यों, कोई ज़रूरी बात है? आज मैं चौपाल आऊँगा, तुम मिलोगी मुझसे? मिलना तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें देखने ज़रूर आऊँगी। कहाँ रहोगे तुम? बिल्कुल तुम्हारी आँखों के सामने, बस नजरें मत चुराना। ओके। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मुन्ना, बुआ जी और आपकी सेवा में। आज हम सब गांव वालों को एक ऐसे नौजवान से मिलवाना चाहते हैं, ऐसे जोशीले जवान से मिलवाना चाहते हैं जिसने एक चमत्कारिक आविष्कार किया है। आप जानते हैं उसको? नहीं जानते ना? मैं बताती हूँ। समीर, समीर भैया ये क्या है? इसका नाम गोगा है। अरे वाह, नमस्ते गोगा जी। नमस्ते मुन्ना। नमस्ते बुआ जी। ये तो बोलता है, ये रेडियो है का? बुआ जी, ये सारे गांव का दोस्त है, दिखाता हूँ। गोगा, मुन्ना वाला दोहा सुनाओ। बाबा बैठा तालाब तले, किए खुले में शौच, उस पर बैठी मक्खी तो मल घर तक गई पहुंच। बुआ जी, देखा, मुन्ना गोगा के अंदर और आप बाहर। गोगा, अब हमें गाना सुनो। अरे मुन्ना देखे, हम बहू आ गए। कहाँ आ गए हो? बीच में, गुगा में, गुगा में। गुआ जी, मेरा गुगा जानकारी का भंडार है, कोई भी इससे कोई भी सवाल पूछ सकता है और गुगा जवाब देगा। अच्छा बेटा, आ जाओ आ जाओ, आओ आओ। एक मिनट, उसकी आवाज गूगा तक नहीं जाएगी। गूगा, अगर मैं एक दर्जन लेमन जूस लूं तो मुझे कितनी गोलियां मिलेंगी? एक दर्जन यानी 12, मगर श्याम लाल की दुकान से खरीदोगे तो 14 मिलेंगी। वो एक दर्जन के साथ 2 गोलियां फ्री देता है। गूगा,
दिया, तुम भी आओ। दूसरे सवाल पूछो। गुगा, भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली, जो यहाँ से 350 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एक गुगा के अंदर और गुगा है का? गुगा के अंदर गुगी भी है बुआ जी। गुगा की मादा। मेरा मानना है कि इंसान को जीवन में खुश रहने के लिए एक साथी की जरूरत होती है। तब तो मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी गुगी से। ए गुगी जी, बोलिए बुआ जी। गुगी जी, ये बताइए कि समीर की गुगी कौन है? पन्ना। सच बोलता है, सच बोलती है, सच बोलती है। स्नेहा जी, आपको याद होगा मैंने आपसे वादा किया था कि जिस दिन मैं किसी लायक बन जाऊंगा उस दिन मैं पन्ना का हाथ मांगने जाऊंगा। रे समीर, पगला गए हो का बावले? अरे उस कलंकनी से तुम्हारा कैसा मेल? ना जात की है, ना बिरादरी की और ना बराबरी की। जात, बिरादरी और बराबरी, ये सब इंसान के बनाए हुए बहाने हैं। ऊपर वाले ने सिर्फ हमें प्यार करना सिखाया है। अब आप बताइए, मैं आपकी सुनूं या ऊपर वाले की? रे ओ लल्लन, पगला गए हो का है? अरे समीर और पन्ना बालिग हैं, अपने जीवन के फैसले खुद ले सकते हैं। बोले बैठो नीचे। ए लल्लन, चुप रहो, अपना रायता मत फेटो इधर। समीर बेटा, तुम तो ये बताओ, अगर हम गुगा गुगी को खरीदना चाहें तो कितने रुपए लगेंगे? बुआ जी, सबसे पहले मैं मुफ्त में सारे गांव के शौचालय में गुगा गुगी फिट करना चाहता हूँ। बैठे बैठे ज्ञान भी मिलेगा और मनोरंजन भी। और जो गांव वाला इसे खरीदना चाहता है तो 30 दिनों तक गुगा गुगी पर 20% की छूट। ये हुई बढ़िया बात। शौचालय में ज्ञान और मनोरंजन और तुम्हारे अकाउंट में रुपए। सारे गांव को समीर तुम पर गर्व है। हाँ, क्यों है ना? स्नेहा जी, आप आइए ना। स्नेहा जी, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं गुगा आपको भेंट करूँ। नहीं समीर, जिसने तुम्हें प्रेरणा दी है, एक मकसद दिया है, सबसे पहले इस पर उसी का हक है, और वो है पन्ना। पन्ना, इसमें जो बातें मैं तुमसे ना कह सका वो सब बातें इसमें रिकॉर्डेड है, जब मैं चाहे सुन लेना। पासवर्ड है, मैं समीर के दिल से बात करना चाहती हूँ। पन्ना, पासवर्ड तुम डालोगी या मैं डालूं? जाओ। गुगी, मुझे समीर के दिल से बात करनी है। पन्ना, तू इतनी अच्छी पन्ना क्यों है?
पन्ना, बाकी की बातें अकेले में सुन लेना। तुम्हें पासवर्ड तो याद है ना? मुझे समीर के दिल से बहुत सारी बातें करनी है। कहते हैं अकलमंद के लिए इशारा काफी, और इस सच्चाई का जीता जागता सबूत है संजय, जिसने इशारों के बल पर अपने गांव में रोशनी फैला दी। संजय और उस जैसे हमें एक सीख देते हैं, जब एक साधारण व्यक्ति कुछ करने की ठान ले तो उसे कोई नहीं रोक सकता। आइए हम और आप भी सोचें कि ऐसा कौन सा काम हम कर सकते हैं जिससे सिर्फ हमारी ही नहीं कईयों की जिंदगी में एक अच्छा बदलाव आ सके। तो आप अपनी कहानियाँ हमारे फेसबुक पेज पर पोस्ट कर सकते हैं। देखते रहिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी।